Hello everyone, this is Amrita ma'am. Welcome to my channel. And today is the first time I'm preparing a video on the project preparation guidelines for Jain University students. As you must have already seen so many videos on NMIMS, University, Symbiosis, CU, so many videos I have earlier created. But today is the first time I'm preparing a video on the project preparation guidance regarding Jain University. So as usual, we all are aware that every university students, MBA students as well as BBA students are required to prepare their project report, right? Project is a part of your research, means whatever theoretical studies you have done so far in your studies. So project is a sample that you did well, or whatever you have understood, you are practically implementing it. मतलब इतने सालों में आपने जो थ्योरी सीखा है उसका प्रैक्टिकल आपको एक देना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी अच्छे से, तो इसका अपना प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं. तो प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा? प्रोजेक्ट विल स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन. एज वी ऑल आर अवेयर, डिक्लेरेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है. डिक्लेरेशन का सीधा सा मतलब है कि यू आर डिक्लेयरिंग दैट दिस प्रोजेक्ट इज यूनिक एंड यू डिड इट बाय योरसेल्फ, राइट? सो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नहीं है जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है. यू नीड टू डिक्लेयर व्हाट आर द सोर्सेज, वेयर यू डिड इट, हु इज योर गाइड, ऑल दोस थिंग यू कैन डिक्लेयर व्हाट एवर यू थिंक यू आर विलिंग टू, राइट? एक्नोलेजमेंट, यू एक्नोलेज, यहाँ पर आप अपने एक्नोलेजमेंट देते हो कि भाई इस प्रोजेक्ट में आपको किसने किसने हेल्प की. यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू योर प्रोफेसर्स, फैकल्टी, योर इंडस्ट्री मेंटर्स, एवरीवन. एग्जीक्यूटिव समरी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी. एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव समरी. यहाँ पर पूरी ब्रीफ प्रोफाइल आपके जो पूरे प्रोजेक्ट में आप करने वाले हो, इसका पूरा एक समराइज्ड वर्जन यहाँ पर आप दे देते हो. जो अपने डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, ये चीजें, उसका ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में इतनी सारी चीजें हैं, तो उतना देखने के पहले एक एग्जीक्यूटिव सम, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक एग्जीक्यूटिव समरी, ये दोनों को पढ़कर आपके पूरे प्रोजेक्ट का जो है एक समझ सकते हो डिटेल्स समझ जाएंगे. कोई भी जो फैकल्टी आपके मैंने पढ़ने जाएंगे आपके प्रोजेक्ट को इन डिटेल्स, उसके पहले वो आपके एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ लेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों आप ये प्रोजेक्ट को कर रहे हो, व्हाट आर द प्लानिंग यू आर गोइंग टू डू, क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिया है आपने, मेथोडोलॉजी क्या आपने अप्रोच यूज किया है, ऑल दोस थिंग. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जीक्यूटिव समरी में अच्छा खासा मार्क्स होता है, तो इसको फ्रेम करने के पहले जरूर अच्छे से सोचिए. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज टेबल ऑफ कंटेंट. काफी जरूरी है, बिकॉज विदाउट टेबल ऑफ कंटेंट किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे प्रोसीड करना है. ये स्टूडेंट के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर द फैकल्टी हु इज गोइंग टू रिव्यू योर पेपर. ये दोनों तरफ से ही काफी इंपॉर्टेंट है टेबल ऑफ कंटेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए गाइडलाइन है कि आप ये टेबल ऑफ कंटेंट को पहले प्रिपेयर कर लो, सो यू अंडरस्टैंड कि हमें इसके बाद क्या करना है. इस टॉपिक में जैसे फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन इज इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, तो ये पूरे डिटेल्स में देखो दिया हुआ है. 1.1 यू नीड टू राइट अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टडी. इट इज वेरी स्पेसिफिक. और जैन का गाइडलाइंस भी काफी अच्छा है, मीन्स इट इज वेरी क्लियर एंड इलेबोरेट. सो यहाँ पर एकदम इन डेप्थ में दी गई है. ऑल द गाइडलाइंस आर क्लियरली गिवन, सो यू नीड टू राइट इट इन देयर, मीन्स इन दिस गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस ओनली. यहाँ पे अपना दिमाग ज्यादा नहीं खटाना है आपको. यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो गाइडलाइन है, मीन्स टेबल ऑफ, आप अगर टेबल ऑफ कंटेंट को पहले रख लेते हो तो सीधा सा बात है 1.1 में मुझे क्या लिखना है, पर्पस ऑफ द स्टडी. सो वट एवर इज द पर्पस ऑफ द स्टडी, इफ यू आर डूइंग इट इन अ बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट, लेट्स सी, टेक एन एग्जांपल ऑफ डिजिटलाइजेशन इफेक्ट ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री. सो वट इज द पर्पस ऑफ द स्टडी, उसको आपको क्लियरली इलेबोरेट करना है. वट इज द इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन इफेक्ट को स्टडी करना. इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, हेयर यू विल राइट अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में, मतलब थ्योरेटिकल पूरा ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक एंड ओवरव्यू ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट. इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो कि भाई किस चीज के बारे में अपने डिस्कशन करने वाले हैं, इंडस्ट्री क्या है, ऑल दोस थिंग. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में वी ऑल्सो टेक द की वर्ड्स प्लस लिटरेचर रिव्यू भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपने स्टडी करने वाले,
लाइक डिजिटल इम्पैक्ट क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके, मैं बैंक्स का एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए, बाकी वॉट एवर एग्जाम्पल मीन्स वॉट एवर केस यू टेक इट, यू नीड टू राइट अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद दोस. यहाँ पे काफ़ी जगह मिलती है आपको लिखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर लिख सकते हो. कंपनी, हाँ, बेकार की चीज़ें मत लिखना, जो भी लिख रहे हो उसका प्रॉपर रेफरेंस सोर्सेस प्रॉपर आपको होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिखना. कंपनी और इंडस्ट्री ओवरव्यू, पहला हो गया इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को लेकर आप स्टडी कर रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में लिखोगे. सेकंड, कंपनी स्पेसिफिक. आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू मेक योर प्रोजेक्ट कंपनी स्पेसिफिक, कि कौन सी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो उस कंपनी को लेकर, और एल्स इफ यू आर डूइंग सम इंटर्नशिप समवेयर तो वहां के रेफरेंस पे लेकर लिखो, तो इट विल बी कंपनी स्पेसिफिक, तो कभी भी प्लैगरिज्म में नहीं आएगा आपका प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस. इन्वायरमेंटल एनालिसिस यहाँ पे बता ही दिया गया है दैट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस इन रेफरेंस टू योर प्रोजेक्ट, इन रेफरेंस टू योर इंडस्ट्री, जो भी हमारे बिजनेस इश्यूज होंगे अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको लेकर अपने को पेस्टल एनालिसिस करनी है. दैट इज योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एवरीथिंग, इन्वायरमेंटल, लेजिस्लेटिव, जो लीगल है, सारा एनालिसिस करना होता है, राइट. रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकेंड चैप्टर, चैप्टर टू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 2.1, दैट इज डोमेन और टॉपिक स्पेसिफिक रिव्यू. यहाँ पे आप कौन कौन से लिटरेचर को स्टडी कर रहे हो वहाँ पर आपको लिखना है, मतलब नॉट द सोर्सेस डेफिनेटली, आप यहाँ पर थियोरिटिकल पूरे पार्ट को लिखना है आपको, जो जो चीजें, जो जो एस्पेक्ट आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उस टॉपिक के बारे में पूरा इलेबोरेट यहाँ पर आपको करना है. नेक्स्ट इज गैप एनालिसिस, सेकेंड पार्ट विल बी गैप एनालिसिस, वाई यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट. सो वंस यू आर स्टडिंग द थियोरिटिकल पोर्शन यू विल अंडरस्टैंड वेयर वी आर मिसिंग आउट. अपने जब आप स्टडी करते हो कोई भी प्रोजेक्ट को, तो उसकी जो थ्योरी, जो ट्रेडिशनल, जो लिटरेचर आपको मिलेगा, पुराना लिटरेचर, तो आप समझ पाओगे कहाँ गैप है. दैट इज वाई यू आर डूइंग दिस रिसर्च, तो यू नीड टू राइट अबाउट दैट. चैप्टर थ्री इज रिसर्च मेथडोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑब्वियसली, कि आप कैसे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, इसको अब कम से कम एक पेज में अच्छे से समझाना होता है, पॉइंट वाइज हो तो अच्छा है. स्कोप ऑफ द स्टडी, कौन कौन इसमें आ जाते हैं आपके स्कोप में, कौन सी बैंक है, कौन सा इंडस्ट्री है, जेंडर कौन है, कितने पॉपुलेशन है, एवरीथिंग. योर स्कोप मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग जिसको जिसको आप कवरेज में ले रहे हो. मेथडोलॉजी, क्या मेथड्स आप यूज करने वाले हो, रिसर्च कैसे डिजाइन कर रहे हो, डेटा कलेक्शन कैसे होगी, प्राइमरी सर्वे होगा या ऑनलाइन सर्वे होगा, एवरीथिंग. सैम्पलिंग मेथड, डेटा एनालिसिस टूल्स क्या यूज कर रहे हो, इट कुड बी सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यू माइट बी यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो भी आपके यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करे, और मीन्स यू कैन यूज एनीथिंग वट एवर इज फ्री ऑन इंटरनेट, वो सारे डेटा एनालिसिस पैक आप यूज कर सकते हो. पीरियड ऑफ स्टडी, 1 महीने का है, 3 महीने का है, कितने दिन का है, वो आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा. लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च, अगेन इट इज रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव. चैप्टर 4 जो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये पूरा पूरी आपके डेटा कलेक्शन के ऊपर होगा, हाउ मच डेटा यू आर कलेक्टिंग. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है ना पार्ट, ये काफी, ये चैप्टर 4 और 5 पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके, ज्यादा से ज्यादा ये पूरा प्रैक्टिकल है तो मार्क्स भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं. आपने जो डेटा कलेक्ट की है उस डेटा को पूरा पूरा आप एनालिसिस करते हो, देन यू राइट द रिपोर्ट. एक एक डेटा को विजुअलाइज करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, डेफिनेटली आप उसको प्रेजेंट करोगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक पाई चार्ट्स है, बार ग्राफ है, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो. अब एक एक आपने डेफिनेटली कुछ क्वेश्चनेयर बनाएगा, उस क्वेश्चनेयर से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो यू गेट द रिस्पॉन्सेस, कैसे रिस्पॉन्सेस आए हैं, तो उस रिस्पॉन्सेस की फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन एक एक का आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर. चैप्टर 4 और 5 अच्छे से फ्रेम करना है क्योंकि इस पे बहुत मार्क्स हैं, राइट. अच्छा, ये हो गया लिस्ट ऑफ टेबल्स. ये फाइनली आपको पीछे में बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट में कम से कम 80-90 पेज का तो प्रोजेक्ट होगा ही, तो पीछे जब लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाते हो, ये जो मैं जैसे मैंने अभी कहा ना, ये वाला आपका जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 और 5 डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर ही अपने विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन एंड ऑल, तो वो टेबल्स के रूप में होता है, कहीं पर टेबल है, ग्राफ है, वट एवर वी आर डूइंग, तो उसके जो टेबल्स है वो आपको यहाँ पर देने होंगे. जितने भी टेबल्स आप बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो, उन सबको आपको एनेक्स्चर्स में देना होगा कि पेज नंबर ये है, ये है.
राइट। सो अब मैं डिटेल्स और नहीं जा रही हूँ उसके, आई होप मैं इसको समझा पाई हूँ। इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी इशू, आप डेफिनेटली यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक।